डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एक्सरसाइज 53 है, क्लास 5 का मैथ है ये, चैप्टर 9। और इस चैप्टर में बेसिकली ज़्यादातर जो मैथमेटिक्स दिया हुआ है यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में कन्वर्ट इंटू मिलीमीटर्स इंटू सेंटीमीटर डेसीमीटर, बीच बीच में कुछ डिफरेंट यूनिट भी डाला गया है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है, ए बी सी, और यहाँ पे सेंटीमीटर कन्वर्ट किसमें, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर में हम लोग को जाना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर मतलब बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाना है, और बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग का जो है यूनिट मिलीमीटर से ही शुरू होता है, एमएम, उसके बाद सीएम, उसके बाद डीएम, उसके बाद एम, इस तरह से चलता है। तो हम लोग को सीएम से लेके यहाँ तक जाना है, मतलब एक स्टेप पर चलेंगे और बड़ा से छोटा मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास है 1 cm, 1 cm इक्वल टू 10 mm, और हमारे पास दिया हुआ है 9.8 cm इक्वल टू, तो 9.8 हो जाएगा और ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जितना आएगा तो ये मल्टीप्लाई, जीरो वाला मल्टीप्लाई आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। तो जीरो वाला मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये बढ़ता है। जैसे 9 है तो एक पॉइंट इधर चला गया राइट साइड की ओर, तो कितना हो गया, 98 हो गया, इक्वल टू 98 mm, और ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे इसको लेते हैं बी नंबर का, यहाँ पे हो गया 1 cm, 1 cm इक्वल टू 10 mm, मेरे पास कितना है 37.6 cm इक्वल टू 37.6 × 10 इक्वल टू पॉइंट, एक बार जाएगा, एक जीरो है तो कितना हो गया 376 mm, और ये इसका आंसर हो जाएगा। सी लेते हैं, तो यहाँ पे दो ही पार्ट बनने वाला है, तो दो पार्ट लिया है मैंने, सी और डी। तो यहाँ पे डीएम है, अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या चीज़ है, यहाँ यहाँ पे mm है, यहाँ पे cm, dm, m, इस तरह के है। तो हम लोगों को कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो अभी हम लोग यहाँ से यहाँ चल रहे थे सेंटीमीटर से, यहाँ से अब यहाँ जाएंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सबसे पहले उसको लिखते हैं 1 dm, 1 dm इक्वल टू 100 mm, तो हमारे पास है 1.29 dm इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.29 × 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ दो जीरो है तो पॉइंट दो बार राइट साइड की ओर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 129 mm, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से डी में, लेकिन यहाँ पे देखना है यहाँ एम लेके चला हुआ है, यहाँ से यहाँ जाना, मतलब यहाँ से चलेंगे 10, 100 और यहाँ पे 1000 हो जाएगा, मतलब इस बार हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 mm, 1 mm से हम लोग को जाना है सी एम एम में, तो 1000 mm हो जाएगा। तो हमारे पास कितना है 71.35 mm इक्वल टू 71.35 × 1000। तो ये जो है तीन जीरो है तो पॉइंट जो है तीन बार चलेगा, 1, 2 और फिर जीरो लग जाएगा, मतलब आ गया 71 और 3, 5 फिर एक जीरो आ जाएगा। यहाँ था तो एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ तक पॉइंट चला, तो इतना mm हो गया और यही आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, एक पार्ट बचा हुआ इसमें। ई पार्ट में यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए हम लोगों को 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 mm इक्वल टू 1000 mm, हमारे पास है 1.053 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.053 × 1000 इक्वल टू, यहाँ पे तीन जीरो है तीन बार चलेगा, 1, 2, 3 मतलब ये कंप्लीट आ जाएगा 1053 mm, और ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।